स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद जारी है हाई अलर्ट गुनाह और गुनेगारों दोनों से अलर्ट रहने के लिए। अब देखिए अपराध की दुनिया की क्राइम डायरी। देर रात नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ देखने को मिली। मोबाइल और चैन स्नैचिंग के मामले में नोएडा पुलिस ने सेक्टर 20 इलाके में केटीएम बाइक सवार बदमाश को एक युवक से मोबाइल छीनकर फरार होते पकड़ा। पुलिस ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी पलट कर फायरिंग की जिससे दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है और उनके आपराधिक इतिहास की जानकारी कर रही है। हरबंस मोहल्ले में होटल में रेड के दौरान तीन जोड़े पकड़े गए। पुलिस हिरासत से युवक हुआ फरार। पुलिस देखती रही, पुलिस के सामने ही युवक ने लगाई दौड़। पीछा करने के बाद भी युवक को नहीं पकड़ पाई पुलिस। इससे पहले चमनगंज थाने के जुगनू नाम का शातिर चोर हो चुका है फरार। कानपुर पुलिस की एक बार फिर से हुई किरकिरी। अमरोहा में महिला होमगार्ड ने युवक की चप्पलों से की पिटाई। युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। एक साल से चल रहा था दोनों में विवाद। महिला होमगार्ड ने एक साल पहले कराया था छेड़छाड़ में मुकदमा दर्ज। होमगार्ड आए दिन पुलिस से करती है शिकायत। संभल में पुलिस ने गैंगस्टर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2,24,89,810 रुपए की चल अचल संपत्ति जब्त की है। पुलिस के मुताबिक अभी तक 78 गैंगस्टर चिन्हित किए गए हैं। ऐसे अपराधियों की अपराध कर अर्जित की गई संपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है। योगी सरकार का अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी। चिनहट में मेडिकल स्टोर का ताला तोड़कर चोरी। मेडिकल स्टोर का ताला तोड़कर 20,000 की नकदी समेत अन्य सामान चोरी किया गया। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने दुकान का शटर टूटा देखकर दुकान मालिक को दी सूचना। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तीन चोरों की करतूतें। मोटरसाइकिल सवार तीन लोग आए थे चोरी की वारदात को अंजाम देने। चिनहट के धावा मोड़ के पास मेडिकल स्टोर पर चोरी की वारदात। नोएडा में 10वीं की छात्रा की 19वीं मंजिल से गिरकर मौत। परिवार के साथ गार्डेनिया ग्लोरियस सोसाइटी में रहती थी 15 वर्षीय छात्रा। 19वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। एमएटी स्कूल की छात्रा थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। बलिया में थानाध्यक्ष द्वारा एक व्यापारी की पिटाई करने का मामला तूल पकड़ रहा है। आक्रोशित व्यापारियों ने थानाध्यक्ष को हटाए जाने की मांग को लेकर बाजार बंद कर सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। थानाध्यक्ष ने एक व्यापारी को मास्क नहीं पहनने पर पिटाई कर दी थी जिसको लेकर व्यापारियों ने देर रात नगरा बलिया मार्ग जाम कर धरने पर बैठ गए थे। व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर सड़कों पर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया।